या बाहर है तो इस बारे में कुछ बताइए, बालिका वधू में। सिर्फ हमारा ही लुक नया नहीं है, सब कुछ नया ही है। हम सबका लुक नया है, शो नया है, कॉन्सेप्ट नया है। ऑफ कोर्स मतलब जो बालिका वधू का जो एसेंस था उसको साथ में रखते हुए एक नई लव स्टोरी है। तो किस तरह का आपका रोल है इसमें? मैं डॉक्टर गोयल हूँ, बड़ा ही काम कंपोज बोरिंग सा इंसान है, मेरी रियल लाइफ से बिल्कुल मैच नहीं करता, तो मुझे बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा अपने आप को सेट पे भी और ऑन स्क्रीन भी। मैम आपका क्या रोल है? मैं डॉक्टर नंदिनी का रोल कर रही हूँ, जो डॉक्टर गोयल के साथ है, उनके हॉस्पिटल में काम करती है, और मैं काफ़ी कंपोज हूँ बट येट चर्पी भी है वो अपने उसमें, और हैप्पी गो लकी। आपकी लाइफ में ट्विस्ट भी आती है, आपके इंटर्न जैसे कि प्रोमो में अभी देखा हमने, उनको आप डांटती है कि आप मेरे अंडर में काम करने वाले हैं। ट्विस्ट का तो आपको शो देखना पड़ेगा कि क्या होता है, क्योंकि मैं अभी नहीं बोल सकती, बट हाँ ये मेरे अंडर काम करता है, लाइक इंटर्न है तो अंडर तो क्या इंटर्न होता है, साथ में काम करता है मेरे, और डांटती इसलिए क्योंकि मुझे छोटा है और हमेशा मस्ती करता रहता है, तो क्या है? एक बहुत सीरियस है, एक थोड़ा सीरियस है और एक सीरियस एक है। बिल्कुल सीरियस नहीं है, तो ऐसा है ये ग्राफ, तो हाँ ये मेरे से आती है, मस्ती करता रहेगा। तो बेसिकली मेरा जो कैरेक्टर है वो न्यूयॉर्क से आया हुआ है, तो वो सीरियस नहीं है किसी चीज़ को लेकर, वो यहाँ पर मस्ती मारने आया है, मस्ती करने आया है, और उसे नंदिनी मिल जाती है हु बिकम्स यू नो कह सकते हैं कि उसका लव इंटरेस्ट हो जाती है, तो वो एक क्रश हो जाता है, प्यार करने लग जाता है, एंड फिर उसमें जो मस्तियाँ होंगी, उसमें जो छेड़खानी होगी, वही मैं करूँगा बेसिकली। बालिका वधू शो है, दर्शक लोग तो हमेशा ही प्यार करते, तो आप लोग नए लुक में आए तो आपको क्या लगता है? आई थिंक बालिका वधू को 8 साल से बहुत प्यार दिया है, और आई होप हमें भी उतना ही प्यार मिले, और जो भी ऑडियंस है जो अभी तक 8 साल रही है वो हमारे लिए भी प्लीज़ रहना, और हमें बहुत सारे प्यार की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।